आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ऑलराइट, यहाँ पे व्हाट वी हैव टेकन इज बीए एक्वस, जो कि हाइड्रोलाइज होके बीओएच एंड एचए बनता है। ओके, सो इट फॉर्म्स वीक बेस, वीक एसिड। ऑलराइट, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सॉल्ट बनाया है वीक एसिड और वीक बेस का। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल देखो अमोनियम साइनाइड, इन केस ऑफ अमोनियम साइनाइड व्हाट वी हैव टेकन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड का सॉल्ट बनाया है टू फॉर्म अमोनियम साइनाइड। ऑलराइट, दोनों भी वीक है, दिस इज वीक बेस एंड दिस इज वीक एसिड। ओके, एनीवेज व्हाट वी हैव टेकन इज अमोनियम साइनाइड सॉल्ट लिया है एंड पुट इट इन वॉटर। ऑलराइट, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। व्हेन वी मेड एक्वस सॉल्यूशन, हम लोगों को मिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCN, विच आर बोथ वीक। ऑलराइट, और इनका KB है 1.8 × 10⁻⁵. यहां KA है 4 × 10⁻¹⁰. वी नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-. ऑलराइट, ओके, तो यहां पे KB वी फाइंड दैट KA से ज्यादा है, बिकॉज यू डोंट सी दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप मत देखिए। यहां पे सी दिस इज 10⁻⁵ एंड दिस इज 10⁻⁻. 10⁻⁻ इज टू लेस इन कंपैरिजन टू 10⁻⁵. सो KB इज मच ग्रेटर दैन KA। ऑलराइट, सो एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम साइनाइड, अगर हम लोग अमोनियम साइनाइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, सो द सॉल्यूशन दैट वी गेट, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो मिलता है अपने, वो दैट वुड बी स्लाइटली बेसिक। ऑलराइट, सो इट वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्यों? क्योंकि KB इज ग्रेटर दैन KA। सी दिस वैल्यू, सी दिस वैल्यू, दिस इज मच सुपीरियर टू दिस वैल्यू। इसके लिए KB इज ग्रेटर दैन KA, सो बेसिसिटी उसका स्लाइटली ज्यादा होगा देन एसिडिटी। ऑलराइट, सो दिस द एंटायर सॉल्यूशन होगा बेसिक। अब वही लॉजिक हम लोग यहां पे यूज करते हैं। नाउ वी हैव टेकन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड इज एसिडिक एसिड एंड वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिक एसिड। अब देखते हैं KB एंड KA, बेस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB इज 1.8 × 10⁻⁵। यहां पे KA है 1.8 × 10⁻⁵, तो कौन बड़ा है? कोई भी बड़ा नहीं है, राइट? बोथ आर इक्वल। सो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सो वी एक्सपेक्टेड टू बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। लिटमस पेपर को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, इट वुड बी न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। ऑलराइट, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस वुड बी न्यूट्रल। ओके, अब जाते हैं हम लोग अमोनियम फ्लोराइड। अमोनियम फ्लोराइड किससे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सॉल्ट बना के वी गॉट अमोनियम फ्लोराइड। ये अमोनियम फ्लोराइड जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन जो मिलता है हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मिलता है। नाउ बोथ आर वीक, बट देखते हैं KB पे नजर डालते हैं हम लोग। KB जब देखते हैं इट इज 1.8 × 10⁻⁵, पर यहां पे KA जो है HF का 7.2 × 10⁻⁴ है। ऑलराइट, नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू, ऑब्वियसली व्हाट वी फाइंड इज ये वाला ज्यादा है इससे, KA इज मोर बिकॉज इट इज 10⁻⁴। मतलब आप डिवाइड करोगे वन के बाद चार जीरो से, यहां पे डिवाइड करोगे वन के बाद पांच जीरो से, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हुआ। ऑलराइट, इससे सो KA इज ग्रेटर दैन KB। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली जब हम लोग बोल रहे हैं KA इज ग्रेटर दैन KB, तो सॉल्यूशन एसिडिक ही बताएगा, स्लाइटली एसिडिक। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर ऑल वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, सो स्लाइटली। सो द एक्वस सॉल्यूशन इसका पानी में डिजॉल्व करेंगे तो pH जो दिखाएगा वुड बी स्लाइटली एसिडिक, और लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड करेगा। सो दिस वन इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज, सो
बेसिकली क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि व्हेन के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इज ग्रेटर देन केबी, केबी से ज्यादा है, देन सॉल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक. जब वो केबी दैट इज बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बेसिक इज ग्रेटर देन के ए, तो दैट विल बी स्लाइटली बेसिक. वेयर इज जब both are equal, it would be solution would be neutral. So solution का effect purely depends on Ka and Kb. All right, and this हम लोगों ने बात किया, we talked about weak acid, weak base का, salt का. All right, I hope you understood this. Okay, मिलते हैं फिर.